आज हम टीयर एंड पेस्टिंग से कुछ बनाने जा रहे हैं क्योंकि आम का सीजन है और हमारे दोस्तों को आम जरूर पसंद होगा, तो क्यों ना हम आज आम ही बना लेते हैं। मैंने एक A4 शीट ली है यहाँ पे व्हाइट कलर की और उसपे मैंगो की पिक्चर ड्रॉ करी है। ठीक है, इसके लिए हमें और जो चीज चाहिए वो है ग्लू चिपकाने के लिए, और मैं यहाँ पे पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कुछ हरे पत्ते लिए हैं, कुछ पीले पत्ते लिए हैं और कुछ थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं पत्ते। अब मैं इनको हाथ से तोड़ के और उसपे चिपकाऊंगी। अगर आपको पत्ते नहीं मिले तो आप मैगजीन से, न्यूज़पेपर से भी पीले, हरे, ब्राउन कलर के पेपर काट सकते हैं। आपके पास और भी कोई चीज हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आप उसके इस्तेमाल से ये टीयर एंड पेस्टिंग का काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पत्तों को हाथ से तोड़ रही हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं मिले तो एक व्हाइट शीट पे येलो पेंट से कलर करके उसको सुखा लीजिए और उसको टियर कर करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने येलो पत्ती और ग्रीन पत्ती को अलग अलग करके रखा है। मुझे जो भी पत्तियां मिली गिरी हुई मैंने उनको उठा के धो के और फिर इस्तेमाल किया है। अब मैं इनको अपनी मैंगो में चिपकाऊंगी। उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाती जाऊंगी। ऐसे करके मैं अपना पूरा मैंगो पत्तियों से भर दूंगी। ये मेरा मैंगो धीरे धीरे रेडी हो रहा है। ये मेरा मैंगो रेडी हो गया है। मैं अब पत्तियां पे काम करूंगी। इसके लिए मैं ये ग्रीन लीव्स चिपकाऊंगी यहाँ पे। मेरा मैंगो रेडी हो गया है। मैं मैंगो की डंडी के लिए बची हुई डंडिया यूज कर रही हूँ। और ये मेरा मैंगो रेडी।